हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दिस इज सोनल सिकलानी। और जैसे कि आपकी एफसीआई AG3 और AG2 का एग्जाम पास ही आने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर एंड और जनवरी एंड में आपका एग्जाम होने ही वाला है। सो उसी की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए हम आपके लिए लेके आए एक सीरीज ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दैट आर कवर्ड इन द सिलेबस। हम उस पर अपनी वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ठीक है? सो एंटमोलॉजी पे ऑलरेडी एक वीडियो आ चुका है जो कि चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। उसी का जो नेक्स्ट टॉपिक था दैट इज इकोनॉमिक एंटमोलॉजी, उस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन। और आगे भी वीडियोस आती रहेंगी, तो आप प्लीज चेक करते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए, ठीक है? सो आज के टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक एंटमोलॉजी। सो व्हाट इज इकोनॉमिक एंटमोलॉजी? हमने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था कि एंटमोलॉजी क्या होता है। एंटमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। सो उसी का एक सब पार्ट है इकोनॉमिक एंटमोलॉजी। इट्स अ फील्ड ऑफ एंटमोलॉजी विच इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स दैट बेनिफिट और हार्म ह्यूमंस, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड क्रॉप्स। सो क्या होता है बेसिकली, इंसेक्ट्स को दो पार्ट में हम कैटेगराइज कर सकते हैं, द वंस विच आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एंड द वंस विच आर नॉट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। द वंस विच आर नॉट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट मतलब कि वो ना हमें हार्म कॉज करते हैं और ना ही हमें किसी तरह से बेनिफिशियल होते हैं। वेयर इज द इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स आर द वंस जो या तो हार्म कॉज कर रहे हैं, इधर दे आर पेस्ट, और दे आर बेनिफिशियल फॉर अस। तो बेनिफिशियल बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे कि बीज होती है, उनसे हमें हनी बी मिलता है, और बटरफ्लाइज होते हैं जो कि पॉलिनेशन में हेल्पफुल होते हैं, लैक इंसेक्ट होते हैं जैसे हम लैक कलेक्ट करते हैं। वेयर एज ऑन द अदर हैंड वी हैव द पेस्ट पॉपुलेशन, ठीक है? जो पेस्ट इंसेक्ट पेस्ट होते हैं दे डैमेज अवर क्रॉप। सो दोनों को ही हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक एंटमोलॉजी में। ओके, सो इसमें हम कैसे किसी इंसेक्ट को पेस्ट हम उसको डिक्लेयर करते हैं, ठीक है? तो इसके लिए डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। अब इसमें ही एक एक टर्म है जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो हम इसको स्टडी करेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या क्या किस किस बेसिस पे हम पेस्ट को कैटेगराइज करते हैं, ठीक है? सो जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है? इट इज एक्चुअली द एवरेज ऑफ द पॉपुलेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अराउंड विच द इंसेक्ट पॉपुलेशन टेंड्स टू ऑसिलेट। अब क्या होती है, कभी इंसेक्ट की पॉपुलेशन बढ़ जाती है, ठीक है, कभी कम हो जाती है। बढ़ कैसे जाती है? ड्यू टू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, डिफरेंट बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से। बायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं हमारे, लाइक प्रिडेटर्स हो गए या फिर इसका फूड हो गया किसी इंसेक्ट का। कितना वो अवेलेबल है, अगर वो बहुत ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है तो इंसेक्ट पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, कम है तो कम हो जाएगी। सिमिलर वे में एबायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या आता है, हमारे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जिनकी वजह से पॉपुलेशन क्या है, कभी कम होती है कभी बढ़ जाती है। हम इसको तो कंसिडर नहीं कर सकते कभी ऊपर है कभी नीचे, तो हम उसकी पॉपुलेशन को हम उसके लिए क्या करते हैं, एक एक GEP होता है दैट इज जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन, एक एवरेज उसका ले लेते हैं, ठीक है? दिस इज द एवरेज, क्योंकि हम ऐसे तो कंसिडर नहीं कर सकते कभी ज्यादा है कभी बड़ा है, तो हम कंपेयर करने के लिए GEP लेवल उसका मेजर करते हैं विच इज द एवरेज। ओके, देन द नेक्स्ट टर्म इज डैमेज बाउंड्री। सो व्हाट इज डैमेज बाउंड्री? इज द लोएस्ट लेवल ऑफ डैमेज विच कैन बी मेजर्ड। सो डिफरेंट जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं वो इंजरी कॉज करते हैं प्लांट्स को, ठीक है? सो जो भी इंजरी है, लाइक इन द फॉर्म ऑफ यू कैन से सकिंग और सम ऑफ द इंसेक्ट्स दे बाइट च्यू द लीव्स, तो उस हिसाब से जितना द लोएस्ट लेवल ऑफ डैमेज मतलब उनके उनसे किया हुआ लोएस्ट लेवल ऑफ डैमेज दैट कैन बी मेजर्ड, दैट कैन बी सी, दैट इज कॉल्ड डैमेज बाउंड्री, ठीक है? देन मूविंग ऑन टू डिफरेंट, ये ग्राफ है जिसमें हम पता लगाएंगे व्हाट इज इकोनॉमिक इंजरी लेवल एंड इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। सो फॉर एग्जांपल दिस इज
पेस्ट पॉपुलेशन। अब हमारी पेस्ट पॉपुलेशन क्या है, पहले कम है फिर बढ़ती भी जा रही है, ठीक है। तो क्या है इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल, क्या होता है इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल, इज दैट लेवल जब इंसेक्ट पॉपुलेशन सपोज देयर आर फेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। फेवरेबल कंडीशंस की वजह से क्या है ये पेस्ट पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब जब तक एक लेवल के ETL लेवल के नीचे है तब तक इट इज नॉट कॉजिंग एनी हार्म टू अस, ठीक है। उनकी कितनी भी पॉपुलेशन हो हमारी क्रॉप को हार्म नहीं हो रहा है, इतना इकोनॉमिक लेवल पे हार्म नहीं हो रहा है। वैसे हार्म है लेकिन इकोनॉमिकली इतना हार्म नहीं है। तो थ्रेशहोल्ड लेवल पे क्या होता है, इस लेवल पे इफ वी डोंट गो फॉर कंट्रोल मेजर्स, मतलब अगर हम कंट्रोल मेजर्स लाइक इंसेक्टिसाइड्स वगैरह अगर स्प्रे नहीं करते हैं तो पॉपुलेशन क्या होगी और शूट अप हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर मेजर्स यूज करते हैं तो ये पॉपुलेशन कम होती जाएगी। सो ETL लेवल इज दैट लेवल इन विच वी शुड अप्लाई द मेजर्स, ठीक है। इंसेक्टिसाइड वगैरह हमें स्प्रे करना चाहिए, अदरवाइज द पॉपुलेशन विल गो अप एंड इट विल कॉज इकोनॉमिक लॉसेस। देन द सेकेंड वन इज इकोनॉमिक इंजरी लेवल। सो इकोनॉमिक इंजरी लेवल क्या होता है, इट इज दैट लेवल जहाँ पर कि इकोनॉमिकली हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, ठीक है। अभी तक इतना लॉस नहीं था, इस लेवल तक ETL लेवल तक हम उसको उसमें मेजर्स डालें तो वो कम हो जाएगा और हमारा इकोनॉमिक लॉस रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर EIL इकोनॉमिक इंजरी लेवल पे अगर पॉपुलेशन बढ़ गई है तो उसके बाद हम मेजर्स अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर हमें जो फार्मर है उसको इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा, ठीक है। देन ऑन द बेसिस ऑफ दीज पैरामीटर्स हम डिफरेंट हमारे पेस्ट होते हैं, ठीक है। देयर आर की पेस्ट, मेजर पेस्ट एंड माइनर पेस्ट, इसको कैटेगराइज किया गया है। सो की पेस्ट क्या होते हैं, द की पेस्ट आर जिनका GP लाइज अबव द डैमेज बाउंड्री एंड EIL लेवल। मीन्स की पेस्ट की जो पॉपुलेशन है, जो जनरल इक्विलिब्रियम पोजिशन है, एवरेज पॉपुलेशन है, दैट इज ऑलरेडी अबव डैमेज बाउंड्री और EIL लेवल से बहुत ज़्यादा अबव है। तो इन जो की पेस्ट होते हैं इनके लिए हमें पहले से ही क्या करना चाहिए, पहले से ही मेजर्स इंसेक्टिसाइड मेजर्स जो होते हैं वो पहले से ही यूज़ कर देने चाहिए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है कॉटन बॉल। देन द सेकेंड वन इज मेजर पेस्ट। व्हाट आर द मेजर पेस्ट, जिनका जनरल इक्विलिब्रियम पोजिशन GEP इज क्लोज टू EIL, मतलब कि ये क्लोज है EIL के। सपोज दिस इज द EIL, ठीक है। तो इनका जो जनरल इक्विलिब्रियम पोजिशन होगा वो कहीं यहां पर होगा, इसके पास होगा, बट इट वॉन्ट बी क्रॉसिंग द EIL, GEP won't be crossing the EIL until and unless favorable conditions होगी। अगर हम इसमें कोई मेजर यूज नहीं करते हैं तो दिस कैन गो अप अंडर फेवरेबल कंडीशंस, ये ऊपर जा सकता है, बट जनरली नहीं जाता है। GEP इज ऑनली क्लोज टू इट, ठीक है, फेवरेबल कंडीशंस में जा सकता है। सो इसके एग्जाम्पल क्या है, सकिंग पेस्ट ऑफ राइस, ओके। देन द थर्ड वन इज द माइनर पेस्ट। माइनर पेस्ट क्या होते हैं, जिनका GEP लाइज बिलो EIL एंड डैमेज बाउंड्री, डैमेज बाउंड्री से भी नीचे, मतलब इनका GEP बहुत कम होता है, इट विल लाइज समवेयर हियर, ओके। सो EIL से बहुत नीचे और डैमेज बाउंड्री से भी बहुत नीचे इनकी पॉपुलेशन होती है, सो दे आर नॉट सो हार्मफुल। इनके एग्जाम्पल्स है थ्रिप्स एंड माइट्स, ओके। देन दिस वॉज द कॉन्सेप्ट। नाउ देयर आर द क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज द पेस्ट डेंसिटी एट विच द कंट्रोल मेजर्स शुड बी अप्लाइड टू प्रिवेंट एंड इंक्रीजिंग पेस्ट पॉपुलेशन। सो ऑप्शन है आपके GEP, डैमेज बाउंड्री, EIL एंड ETL। इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। द सेकेंड क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ पेस्ट हैज अ नेग्लिजिबल पॉपुलेशन बट अपीयर्स एपिडेमिक अंडर फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस
एंड प्रोसेस ई आई एल एंड डी बी. सो कौन सा ऐसा पेस्ट है जिसका जो जिसकी पॉपुलेशन नेग्लिजिबल ही होती है, लेकिन अंडर फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस, मतलब कि जब फेवरेबल टेम्परेचर या फेवरेबल ह्यूमिडिटी होगी उस कंडीशंस में ये क्रॉस कर देता है ई आई एल एंड डैमेज बाउंड्री. सो ऑप्शंस आर पोटेंशियल पेस्ट, रेगुलर पेस्ट, स्पोरेडिक पेस्ट और मेजर पेस्ट. सो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है? बाकी अगर आप एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और आपको एसेस करनी है अपनी परफॉर्मेंस की, आपने कितना अच्छे से उसकी प्रिपरेशन करी है एग्जाम की, सो यू कैन गिव द फ्री मॉक टेस्ट. ओके, सो कीप ऑन प्रिपेयरिंग. आप हमारी साइट पे जाके फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं. कीप ऑन प्रिपेयरिंग एंड कीप ऑन लर्निंग. थैंक यू.